दशहरा मैदान में हर वर्ष रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले आपने जलते हुए देखे होंगे और उसका आनंद भी लिया होगा। कभी आपने सोचा कि ये बनते कैसे हैं और कौन कलाकार इनके पीछे है? बिहाइंड द सीन हम आज इसी की बात करेंगे। रावण बनाने में बांस प्रयुक्त होते, बांस को चीर कर इसे मनचाहा आकार देकर इससे एक कंकालनुमा आकृति बनाई जाती है। फिर इस कंकालनुमा आकृति पर क्रमशः पुरानी साड़ियाँ लेई के साथ इस प्रकार चिपकाती हैं कि एक कॉम्पैक्ट आवरण बनाते हैं जो कि स्किन के रूप में इसका रूप प्रदान करते हैं। इसमें कम से कम दो बोरी लेई लगती है, जैसा कि कारीगरों ने हमें बताया, और इस प्रकार ये सारी साड़ियाँ फिर सूखने को रख दी जाती हैं। साड़ी जब ये लेई में लगी हुई सूख जाती हैं, ठंडों की छाया में रखी जाती है, सूखने के इनके बाद इन पर कागज़ लेप चढ़ाया जाता है, जैसे अखबार और खाकी रंग के कागज, फिर इस पर कलर किए जाते हैं जैसा आप देख रहे हैं। इस प्रकार इसकी एक मूलभूत रचना बन जाती है। फिर फाइनल चेहरा बनाने में यह अलग अलग बढ़िया प्रकार के कागज़ बनते हैं और चेहरा को बड़ी ही तन्मयता से बनाया जाता है, क्योंकि चेहरा ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की जान होता है। इस बार के जो कलाकार हैं ये दिल्ली से आए हैं और ये रावण का चेहरा, मुखौटा बड़ा सुंदर बना रहे हैं। सर, आपका बीकानेर में बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार बीकानेर पधारे हैं और इतना सुंदर रावण बनाने की आप चेष्टा कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? शफीक अहमद। ये शफीक अहमद जी हैं जो सकूर बाज़ार दिल्ली से आए हैं। ये इनकी पार्टी है जो रावण बनाने में सिद्ध हस्त है। ये मुख्य रूप से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद वगैरह वगैरह में रावण बना रहे हैं। अच्छा शफीक जी, आप ये बताएं कि ये कितने सालों से आप रावण बना रहे हैं? ये हमारे पुरखों की पीढ़ी चलती आ रही है, 200 साल से। लगभग 200 साल से, 40 साल में हो गए हमारे। 30-40 साल ही हो गए। तो इस बार आपके रावण बनाने की विविधता थोड़ी अलग लग रही है हमें। पिछले सालों तक हमने देखा था कि बीकानेर में इतना सुंदर रावण का मुखौटा नहीं बना था, तो इस बार आप बड़ी विशेषता लेके आए हैं। तो अभी ये रावण बन रहा है, मेघनाद बन रहा है साहब? ये रावण बन रहा है। तो इसकी क्या क्या विशेषता होंगी, कुछ इसके बारे में बताएं आप, क्या क्या इसमें नयापन लाने वाले? इसका मुकुट है, उधर रखा हुआ है। अच्छा, मुकुट है इधर, ये दिखा। ये इनकी मुकुट है शायद, ये जो बना रही थी। हाँ, ये अभी तैयार नहीं। ये इसका मुकुट है रावण का, ऊपर मुकुट जो ये इसमें बनेगी। ये सब किस रंग से बनेगी मुकुट? ये गोल्डन कलर की। तो आप सब बता रहे थे इसमें 400 तो बांस लगते हैं और बाकी क्या क्या सामान लगता होगा? अंदाज बल्लियाँ लगती हैं, सुतली लगती है, कदम बल्लियाँ। अच्छा, 50-60 किलो सुतली लगती है। 50-60 किलो सुतलियाँ और बल्लियाँ भी काफ़ी ज़्यादा लगती होंगी। अच्छा, और ये आप जो अभी कलर लगा रहे हैं, ये अबरी है, क्या चीज़ है सर ये? हाँ, ये अबरी है। एक राउंड बनाने में कितना खर्चा लगता होगा? 2.5-3 लाख रुपये लगता है। एक का 2.5-3 लाख लगता है। अच्छा, और इसके अंदर क्या आप पटाखे अपने स्वयं के लगाते हैं क्या पटाखे? नहीं, मैं खुद के बनाते हैं सर। फिर इसके बाद बारी आती है मुकुट बनाने की। मुकुट मुख्य रूप से चमकदार सुनहरे कागजों के द्वारा बनाया जाता है। इसका आवरण तो पहले ही बन चुका होता है, उस पर चमकीले और सुनहरे रंग के शीट लगाई जाती है, जिससे ये सोने की लंका के साथ सोने की मुकुट जैसा प्रतीत होए। और इसके लिए सभी लोग प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं, जिसमें एक जना रंग लगा के देता है, दूसरा उनको चिपकाता है, और इस प्रकार ये मुकुट तैयार होती है। इस मुकुट पे फिर आगे बारीकी से काम भी किया जाता है। फिर इसके बाद आती है धड़ की आकृति। धड़ के अंदर सुनहरे, गुलाबी, काले, हरे, नीले, भिन्न भिन्न प्रकार के कलर से इसको घेरा जाता है। उनमें फूल, पत्तियां और अन्य डिजाइन लगाए जाते हैं, जिससे कि ये चित्ताकर्षक लगे और आकर्षक लगे। प्रमुखतया इसमें चटक रंग काम में आते हैं। फिर ये हम देखते हैं कि ये पांच दशानन की आकृति बन रही है। दशानन के चेहरे का पांच का जो है इसका रूप बनाया जा रहा है। इनमें क्रमशः आंखें लगाई जा रही हैं, मूछें लगाई जाती हैं और फिर होठ बनाए जाते हैं। इनका टीका लगाया जाता है और इस प्रकार पांचों मुंह बनने के बाद रावण का 10 सिर वाला आकार
तैयार किया जाता है। फिर बारी आती है रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की आंखें बनाने का। यहाँ पर आंखें बड़ी ही सुंदर होती हैं। आंखें के अंदर जो आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का जो लेयर है वह चमकीले कलर का है, स्टील की तरह, जो कि प्रतिदीप्तिशील है, आपस में इल्यूमिनेटिंग है। बीच में इसके काले रंग का आकृति उकेरी गई है और ये बड़ी ही खूबसूरत आंखें ये सफ़ेद घी लगा रहे हैं। इस पर पहले इस पर लेई लगाई जाती है आँखों को, और फिर इसको उतार लगा के बिल्कुल करीने से बैलेंसिंग रूप के अंदर आयतन के रूप में आंखें लगाने की प्रक्रिया चल रही है। ये देखिए ये दोनों आंखें लग रही हैं इस प्रकार से। ये आंखें भी विशेष रूप से बहुत महत्व है, क्योंकि ये दिल्ली से एक विशेष कलाकार ही इसे बना पाता है। इनके जो चेहरे के आकार के अनुसार आँखें, छोटी आँखें, बड़ी आँखें, इस प्रकार से आँखें बनती हैं। लास्ट में आंखें ही लगती हैं। आंखें लगाते ही चेहरे में अलग लुक आता है, चेहरा चित्ताकर्षक लगता है और सुंदर लगता है। और इस प्रकार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की आंखें लगी हैं। आंखें लगने के बाद बारी आती है भौहें लगाने की। तो ये भौहें काटी हुई होती हैं काले रंग के पेपर से, और इन्हें अकॉर्डिंगली लेवल से आयत के अनुसार एक निश्चित परिमाप में लगाया जा रहा है, जिससे चेहरे में देखते ही सुंदरता बन पा रही है। आंखें और भौहें लगने के बाद बारी आती हाथ लगाने की। ये हाथ आपस में इंटरकनेक्ट किए जा रहे हैं धड़ के साथ। पहले से बांस की आकृतियां रखी गई थी और हाथ की आकृतियां के साथ लगाने वाले बांस आपस में इंटरकनेक्ट किए गए हैं और आपस में रस्सी से कस के बांधे गए हैं। ये मुकुट है, मुकुट का निर्माण हो चुका है। ये रावण के अस्त्र शस्त्र जा रहे हैं, तलवारें, ढाल, और ये भी मुकुट है कुंभकर्ण की, जो मैदान से लेके जा रहे हैं, जो आज आरोपित करेंगे। सभी मुकुटें सुनहरे रंग की बहुत सुंदर लग रही हैं। ये क्रमशः पुतलों की मुकुट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मुकुट सुनहरे रंग की होती है, जिस पे कि बाद में हीरे माणिक जैसे आभूषण की शक्ल दी जाएगी। सभी के सभी चमकीले सुंदर रंग में बने हुए। फिर इसके बाद इनकी धड़ की बारी आती है। धड़, ये रावण का धड़ है, जिसके अंदर काला शरीर के ऊपर लाल गुलाबी रंग लगे हुए हैं। फिर ये कुंभकर्ण का है, मेघनाद का है, जिन्हें क्रमशः हरे और ब्लू नीले कलर के अंदर उकेरा गया है। इसके ऊपर बहुत सारी कलाकारी की हुई है, फूल बनाए गए हैं, नीले आवरण पर गुलाबी पीले फूल लगाए गए हैं। क्रेन आ गई है, और क्रेन आप देखिए कैसे धीरे धीरे एक एक करके पुतलों को उठाएगी। सबसे पहले बारी आती है रावण की। रावण के पुतले को क्रेन के बीच में लगाकर धीरे धीरे उठाया जा रहा है। ये रावण का पुतला खड़ा हो रहा है। इसकी काले रंग की पोशाक है रावण की, और सबसे सुंदर मुकुट है। और इस प्रकार रावण का पुतला खड़ा किया जा रहा है, और ये रावण का पुतला लगभग खड़ा हो चुका है। अब बारी आती है कुंभकर्ण की। ब्लू और येलो कलर का कुंभकर्ण बने हुए हैं। इनके हाथ में भी अस्त्र है, मूछ है इनकी घनी है, और गालों पे फैली हुई हैं ब्लू कलर, गोल्डन कलर की मुकुट, काली घनी मूछ है, हाथ में तलवार। ये कुंभकर्ण है, जो कि क्रेन के द्वारा सीधा करके खड़ा किया जा रहा है। ये मैदान है बीकानेर का, दशहरा मैदान, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम। यहाँ पर बीकानेर दशहरा कमेटी अपना 64वां वर्ष प्रवेश कर चुकी है, 64वां उत्सव मना रही है।
और उनके द्वारा ये आयोजित है। ये टीम भी करेट की है और बाकी टीम दिल्ली की फरुख नगर से आई है। ये है जो पुतला आप देख रहे हैं, क्रेन द्वारा उठाया जा रहा है। यह है पुतला मेघनाथ का है, रेड कलर और ग्रीन कलर के कपड़े हैं। इस प्रकार हमने देखा तो ये दशहरा मैदान में, जो कल यहाँ बहुत भीड़ होगी, तीनों पुतले सीधे खड़े हो गए हैं। तो चारों तरफ से ने रस्सी से बांध दिया गया है ताकि हवा के प्रवाह से ये गिर ना पाए। इन सभी को बनाने के पीछे बहुत लंबा अथक प्रयास लगा है, जिनका श्रेय इनको जाता है। ये है शफीक नोबल, इनका इंटरव्यू कराते हैं। आज हम डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में खड़े हैं। यहाँ पे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बहुत ही आलीशान पुतले बनाए हैं। इनके पीछे बिहाइंड द सीन जो कलाकार हैं उनका नाम है, सर आपका नाम बताएं। शफीक अहमद। शफीक अहमद जी, सर आप इसके बारे में बताएं, कितना समय लगा इसको बनाने में? 1 महीना लगता है सर। तीन। तो शफीक जी, आप दिल्ली के किस इलाके से संबंधित हैं, कहाँ से आए हैं? मैं फरुख नगर गाजियाबाद। अच्छा जी सर, आपको बहुत बढ़िया, आपको आपका बहुत सुंदर रावण बनाने के लिए और आपकी इतनी कठोर मेहनत का फलीभूत होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सारी टीम को हमारी तरफ से कोटि से धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा हमारे जनता के लिए बनाया, हिंदुओं के त्यौहार के लिए आप भाई लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाया, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।